कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजेपी ने हेल्प डेस्क के जरिए लोगों की मदद करने का अभियान शुरू किया। इसकी शुरुआत कैथल स्थित बीजेपी कार्यालय में कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने हेल्प डेस्क का उद्घाटन करने के साथ की। इस मौके पर नायब सैनी ने MH1 प्राइम से खास बातचीत भी की और बताया कि यह हेल्प डेस्क लोगों की मदद के लिए शुरू किया गया है और पूरे हरियाणा में इस तरह की हेल्प डेस्क खोली जा रही है, जहां सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पार्टी के कार्यकर्ता ड्यूटी देंगे। साथ ही 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, जिसके जरिए पीड़ित पार्टी वर्कर्स से संपर्क कर मदद ले सकेगा। कोरोना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इस बार कोरोना के मामले भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की फौज को भी अब सड़कों पर उतार दिया है और पूरे हरियाणा में हेल्प डेस्क भी खोली जा रही है, जिसका उद्घाटन आज कैथल में कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी जी ने किया है। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोगों की कोरोना को लेकर मदद की जाएगी और इस हेल्प डेस्क से किस तरह से लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सर, क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, क्योंकि पार्टी ने निर्णय लिया है, पीछे भी जब 2020 के अंदर जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, उस समय में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के लोगों तक राशन पहुंचाने की, चाहे बात हो हर क्षेत्र के अंदर, चाहे दवाई पहुंचाने की बात है, चाहे जो पेशेंट से उनको कोई हेल्प की बात है, चाहे ब्लड डोनेशन की बात है, इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार सेवा भाव से लोगों के बीच में जाकर के वो कार्य करता रहा है। सर, अगर ऑल ओवर बात करें, जिस तरह से कोरोना के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और डेथ की जो संख्या वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहाँ संसाधनों की अभी भी कमी है, दिल्ली में भी आप देख रहे हैं और हरियाणा में भी काफ़ी डॉक्टरों की कमी है दूसरे, तो इनको कैसे पूरा किया जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा इसके अंदर जो संसाधनों की आपने बात कही है, क्योंकि पीछे भी जो कोविड सेंटर खोले गए थे, संसाधनों की कमी नहीं है किसी प्रकार भी, सरकार उसके ऊपर पूरी मजबूती से वो लगी हुई है। अभी जैसे ऑक्सीजन की कमी की बात की गई थी, उसके अंदर भी ऑक्सीजन की पूर्ति को पूरा किया जा सके, परंतु फिर भी हम एक मानवता के नाते मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये वैश्विक संकट है, वैश्विक महामारी है, कोरोना वायरस है, मैन टू मैन फैलता है, हम सब अपने आप को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं और अपने समाज को भी बचाएं, और इसके लिए हम कहीं पर भी हेल्प एक दूसरे की करें, ताकि इस कोरोना जैसे संकट को हम मिलकर के, जैसे हमने पिछले वर्ष 2020 के अंदर जब ये कोरोना शुरू हुआ था, पूरे देश ने मिलकर के उसका सामना किया था और उसके ऊपर हमने बहुत मानवता का कम नुकसान हुआ था, और अब जो ये दूसरा फेस इसका कोरोना का शुरू हुआ है, बड़ा भयानक शुरू हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि हम मिलकर के पूरा का पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनकी गाइडलाइन आएंगी, जिस प्रकार से वो लोगों को डायरेक्ट बात करते हैं, जिस प्रकार से वो जागरूक करते हैं, उस कड़ी के अंदर हम इस कोरोना के ऊपर दोबारा फिर काबू पाएंगे। ये थे हमारे साथ सांसद नायब सैनी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना से निपटने के लिए अब भाजपा कार्यकर्ताओं को भी जनता के बीच भेजा जा रहा है, ताकि कोरोना से निपटा जा सके और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। कैथल से MH प्राइम के लिए कैमरामैन रणधीर के साथ राजीव प्रूथी।